हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पावर स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको हमने दो दिन पहले प्रॉमिस किया था कि अपने कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम के लिए स्पेशली कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आज से अपन वो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट आपको 500 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, तो 25 मार्क्स से वो ये आप आसानी से गेन कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से पढ़ाई करते हैं। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा अगर यही आप कर लेते हैं तो अधिक से अधिक चांस है कि इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन देखने हैं और कोशिश करनी है कि सबके आंसर देना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और वेरी इंपॉर्टेंट भी आपको साथ में बताता चलूंगा, ठीक है? तो चलो आज से आप शुरू करते हैं अपन, ठीक है? चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आरएम रैम, बी दे रखा है डेटा इनपुट, सी दे रखा है सीपीयू, डी दे रखा है सेकेंडरी स्टोरेज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज में बग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है स्टेटमेंट, बी दे रखा है एरर, सी में सिग्नेचर, डी दे रखा है बी और सी दोनों। आंसर कीजिए जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एरर। तो देखिए बग का मतलब क्या होता है? एरर। देखो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की भाषा में एरर का मतलब क्या होता है? बग। और अच्छा, बग का मतलब एरर होता है, ठीक है, लेकिन एरर को अपने कहते क्या है? तो यानी कि जो अपन प्रोग्राम कंप्यूटर में किसी भी लैंग्वेज में अगर बनाते हैं, जैसे चाहे सी लैंग्वेज हो या HTML हो, जो भी लैंग्वेज हो, अगर उसमें कोई गलती रह जाती है या उस वजह से क्या प्रोग्राम नहीं एक्सेस हो पाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो बग को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो देखो, जो आपने देख रखा होगा, आपने आसपास देखा होगा, ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होते हैं घरों में, तो उनमें जो टेलीफोन लाइनें जो होती है उनमें जो डेटा अंतरित करने की अनुमति कौन देता है? तो वो तो क्या है कि अपने एनालॉग सिग्नल को क्या करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन सा काम करता है? ऑप्शन ए दे रखा है कुंजी पटल, बी दे रखा है सीपीयू, सी दे रखा है मॉडेम और डी दे रखा है प्रिंटर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मॉडेम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है? देखो, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था संक्रियात्मक, यानी कि जिसने गणना स्टार्ट करी थी, तो वो कौन सा था? ऑप्शन ए दे रखा है एनियाक, बी दे रखा है एडवाक, सी दे रखा है एडसेक और डी दे रखा है यूनिवाक। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए एनियाक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है? तो यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आप इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो जो आपने जो ब्राउजर है उसके ऊपर ही ऊपर आपने एड्रेस बार में देखा होगा, कोई भी अगर वेबसाइट हो तो उससे सबसे पहले क्या लिखा होता है? WWW लिखा होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीयू का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6,
ए ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी दे रखा है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सी दे रखा है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, डी दे रखा है कंट्रोल प्रोग्राम यूजेज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया भी था, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेंटियम ब्रांड नाम से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है? तो देखिए, पेंटियम क्या है, ये किसी कंपनी की ब्रांड का नाम है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है मोबाइल चिप, बी दे रखा है कंप्यूटर चिप, सी दे रखा है कंप्यूटर, और डी दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो पेंटियम किसका रूप है, ये सॉरी, पेंटियम ब्रांड के नाम से क्या चीज़ बेची जाती है? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? अभी अपन इसकी फुल फॉर्म देखी थी, अब इसके आविष्कारक और संस्थापक दोनों एक ही रहे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए देर का टिम बर्नर्स ली, बी देर का एन रसेल, सी देर का ली एन फियोंग, और डी देर का बिल गेट्स। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। किसने आविष्कार किया था WWW का? यस, ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है जो कि कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है साइबर स्पेस, बी दे रखा है अपलोड, सी दे रखा है प्रकाश भंडारण, डी दे रखा है मॉडेम। देखो, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि आप एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करके भी सही कर सकते हैं, क्योंकि साइबर स्पेस जैसे अपन सब सुनते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, साइबर स्पेस, साइबर अटैक हो गया, साइबर हैकिंग हो गई, साइबर चोरी वगैरह आप सुनते ही हैं। बी अपलोड, अपलोड द कंप्यूटर का आप बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक वर्ड है। मॉडेम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश भंडारण। तो ये क्या है कि आईटी से रिलेटेड वर्ड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? चार ऑप्शन दे रखा है आपको, ए में ट्रांजिस्टर, बी में वॉल, सी में क्रोड स्मृति, डी में दे रखा है अर्धचालक स्मृति। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर था उसमें कौन सा ये चिप यूज होती थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, अनुपम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, अनुपम क्या है? ऑप्शन नंबर ए देर का एक शोध संस्थान है, बी देर का एक सुपर कंप्यूटर है, सी देर का नवनिर्मित परीक्षा पत्र है, और डी देर का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है अनुपम? तो अनुपम क्या है कि सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का नाम है। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो वेरी हाईली स्पीड से चलते हैं, जिनका यूज अधिकतर क्या है, साइंटिफिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? देखो, अपने जो स्वदेशी है परम सुपर कंप्यूटर अपने इंडिया का, तो उसका विकास है वो किस संस्था ने किया था? ऑप्शन ए दे रखा है सीडेक, बी दे रखा है IIT कानपुर, सी दे रखा है BARC, डी दे रखा है IIT दिल्ली। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताओ देखें जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडेक। सीडेक संस्था ने क्या किया था अपने परम कंप्यूटर का
विकास किया था, जो सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर ए बिट, बी में दे रखा है बाइट, सी में दे रखा है रिकॉर्ड और डी में दे रखा है फाइल, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाइट, ये क्या है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई डेटा की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14 पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देर का है परम पदम, बी देर का है फ्लो सॉल्वर मार्क, सी देर का है चिप्स और डी देर का है अनुपम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी अनुपम। देखिए अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये क्या पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, अनुपम क्या है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। अभी अपन ने पढ़ा था तो सुपर कंप्यूटर अनुपम सुपर कंप्यूटर है, तो ये सुपर कंप्यूटर परियोजना आप आसानी से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं अनुपम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बाइट किसका बना होता है, ए आठ, ए में दे रखा है आठ द्विआधारी अंकों का, बी में दे रखा है दो द्विआधारी अंकों का, सी में दे रखा है आठ दशमलव अंकों का और डी दे रखा है दो दशमलव अंकों का, बताइए एक बाइट है वो किससे बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आठ द्विआधारी अंकों का। देखिए फ्रेंड्स ये आठ द्विआधारी अंक कौन से होते हैं, तो देखिए बाइट में क्या अपन क्या बोलते हैं, आठ बिट होते हैं, क्या होते हैं आठ बिट होते हैं, तो एक बिट है ना, एक बिट उसमें क्या होता है दो अंक होते हैं, और दो अंक कौन से होते हैं, जीरो और वन, जीरो और वन, ये इस प्रकार जीरो वन आठ बार जब मिलते हैं तो क्या होता है एक बाइट बनता है, और जीरो वन को वैसे क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मशीन भाषा, यानी कि मशीन लैंग्वेज वो कौन सी होती है जो सिर्फ जीरो और वन में ही समझती है, तो कंप्यूटर क्या है हमेशा ही जीरो और वन में ही समझता है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पैम किस विषय से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 16। ए देर का कंप्यूटर, बी देर का कला, सी देर का संगीत, डी देर का खेल, स्पैम किससे संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर। देखिए मैं स्पैम क्या होता है, देखा आपने जीमेल वगैरह आप यूज करते हैं तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि अपन जो अनवांटेड जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो स्पैम में अपन डाल देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि फिर वो अनवांटेड मैसेज जो हमें नहीं प्राप्त होते हैं, तो वो क्या स्पैम, यानी कि जो हमें चाहिए नहीं, तो ये क्या कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे जो कि अनावश्यक रूप से किसी को सेंड कर दिए जाते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट आदि के लिए, तो ये स्पैम होता है। ठीक है तो ये किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है या यूनिट है। हाँ बिल्कुल ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। डेटा को भेजने की जो गति है उसको मापने के लिए अपन किस यूनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए हर एक चीज़ की यूनिट होती है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि डेटा को जो अपन भेजते हैं कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से जो भी है, मोबाइल से भी क्या है आजकल एक तरह से कंप्यूटर ही है, तो इससे जो अपन डेटा भेजते हैं उसके जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, किस में जाती है, बताइए जल्दी। तो उसको किस में मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिट प्रति सेकंड।
बिट प्रति सेकंड, बीपीएस, बिट प्रति सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कंप्यूटर क्योंकि अपनी भाषा तो समझता नहीं है, अपन तो ऐसा तो है नहीं कि अपन जो बोलेंगे कि जो कैलकुलेशन करना है वो करके दे दो, ऐसा तो है नहीं। उसको तो जो अपन किसी के थ्रू कहेंगे, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जो आप बताओ क्या कहते हैं। तो यानी कंप्यूटर को कौन बताता है, बताइए। देखें, ऑप्शन ए दे रखा है मेंटर, बी में दे रखा है इंस्ट्रक्टर, सी में दे रखा है कंपाइलर, डी में दे रखा है प्रोग्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इंफोसिस, बी टीसीएस, सी दे रखा है विप्रो, डी दे रखा है एचसीएल टेक। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है? कर्मादेश का मतलब, यानी कि कोई अपन ने जो उसको डायरेक्शन दिया है, अगर उसको लागू करता है तो वो कहाँ पर अटक जाता है? तो यह सबसे पहले उसको कहाँ पर स्टोर होता है वो चीज़, जो भी अपन उसको कंप्यूटर को डेटा देते हैं या सूचना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रैम, बी दे रखा है रोम, सी दे रखा है हार्ड डिस्क, डी दे रखा है फ्लॉपी डिस्क। कहाँ पे होता है सबसे पहले स्टोरेज? तो देखो, जैसे अपन जैसे जैसे ही अपन कोई प्रोग्राम रन कराते हैं या कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पे सेव होता है? रैम। ऑप्शन नंबर ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? देखो, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी और अस्थायी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रैम, बी दे रखा है रोम, सी दे रखा है सीपीयू, डी दे रखा है सीडी रोम। तो स्थायी मेमोरी को क्या बोलते हैं? स्मृति का मतलब क्या, मेमोरी क्या बोलते हैं? आंसर कीजिए जल्दी। स्थायी स्मृति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी रोम, रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? देखो, ये इसमें कुछ वर्ड्स क्या है कि ऐसे है कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज उसी में समझ में आते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कंप्यूटर में अधिक से अधिक अपन क्या है कि ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करके इंग्लिश का ही यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है कि अपन कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो निर्गम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। निर्गम का मतलब क्या होता है? आउटपुट। यानी कि आपको इन चारों में से बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। देखिए, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। कौन निर्गम उपकरण नहीं है, ये नहीं का मतलब क्या है कि आपको जो बताना है कि कौन सी इसमें नहीं है। ए दे रखा है इंकजेंट मुद्रक, बी दे रखा है प्लॉटर, सी दे रखा है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, डी दे रखा है स्पीकर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आपको पता है कि इंकजेंट मुद्रक क्या होता है? इंकजेंट मुद्रक नहीं है, मुद्रक को अपन बोलते हैं इसको क्या, प्रिंटर, प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर होता है। तो ये तो क्या हो गया, प्रिंटर पे अपन ने डेटा मिलता है तो क्या आउटपुट डिवाइस हो गई। तो
प्लॉटर भी क्या होता है, प्लॉटर एक तरह से जो अपन बैनर वगैरह छापते हैं ना, जो बड़े बड़े जो प्रिंट है जो कंप्यूटर से नहीं दे सकते, उनको क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं। और डी स्पीकर, स्पीकर की क्या है भी क्या है कि आउटपुट डिवाइस है, यानी कि अपने आवाज़ है जो बाहर देते हैं आउटपुट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ए में दे रखा है कोबोल, बी में दे रखा है बेसिक, सी में दे रखा है फोर्ट्रॉन, डी में दे रखा है पास्कल। ये चारों कंप्यूटर की भाषाएं हैं, अब इनमें से सबसे पहले कौन सी विकसित की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फोर्ट्रॉन। देखिए अगर आपको कहीं पूछ ले तो फोर्ट्रॉन, इसकी फुल फॉर्म, तो इसके फोर का मतलब होता है फॉर्मूला और टी का मतलब होता है ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? बिल्कुल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए देगा क्रोमियम, बी देर का सिलिकॉन, सी देर का सीसा, डी देर का कॉपर। वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देर का फॉस्फर प्रपेट, बी देर का छाया छत, सी देर का इलेक्ट्रॉन गन, डी देर का गैस प्लाज्मा। सीआरटी ऐसा कौन सा नहीं है? सही आंसर हो जाए इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए दे रखा है डाई लेजर, बी दे रखा है गैस लेजर, सी दे रखा है अर्धचालक लेजर और डी दे रखा है उत्तेजद्वयी लेजर। बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। लेजर प्रिंटर होता है उसमें से कौन सा एक लेजर पर एक प्रकार का लेजर वो प्रयुक्त होता है, यानी कि लेजर कौन सा यूज होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धचालक लेजर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, बी दे रखा है बिल क्लिंटन, सी दे रखा है चार्ल्स बेबेज, डी दे रखा है मार्कोनी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चार्ल्स बेबेज। यानी कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को अपन क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के पितामह भी बोलते हैं। 28वां क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न प्रयोगों से, यानी कि अभी जो अपने आधुनिक कंप्यूटर अपन दे रखे हैं इनका आकार है वो छोटा होता जा रहा है, तो इनका प्रयोग कैसे संभव हो सका है, तो किसके उपयोग से संभव हुआ ये बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रांजिस्टर, बी दे रखा है समाकलित परिपथ चिप और सी दे रखा है नैनो पदार्थ, डी में अति संचालक। तो किस कारण से ये संभव हो सका, जिस वजह से कंप्यूटरों का अपना आकार है वह दर दर छोटा कर रहे हैं, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, समाकलित परिपथ चिप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 क्वेश्चन, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्ष आकार संचय क्या कहलाता है? ए ऑप्शन दे रखा है जालक्रम मॉडल, बी दे रखा है श्रेणीबद्ध मॉडल, सी दे रखा है संवाददात्मक मॉडल, डी दे रखा है बोआई मॉडल। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? आंकड़ों की त्रुटियां का मतलब क्या हुआ?
यानी कि जो डेटा में जो मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं उनको कौन प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन दे रखा है चिप, बी दे रखा है बाइट, सी दे रखा है बग, डी दे रखा है बिट। अभी भी कुछ देर पहले मैंने बताया भी था आपको, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बग। बग को ही बोलते हैं ना वन त्रुटि या एरर, तो ये त्रुटि प्रदर्शित कौन करता है? बग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, बी दे रखा है कीबोर्ड, सी दे रखा है माउस, डी दे रखा है प्रचलन तंत्र। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी प्रचल तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अपन एक से अधिक कंप्यूटरों को बिना तारों से आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन दे रखा है सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, सी दे रखा है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, बी दे रखा है मूल्य योजक नेटवर्क। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। देखिए अपन छोटे क्षेत्र में अगर बिना टेलीफोन के अगर एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, क्या बोलते हैं? लैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, बताइए आईसी चिप है जो अपने जो कंप्यूटर में लगती है मदरबोर्ड पे या अदर पार्ट्स पे, तो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए फाइबर से, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से, सी होता है प्लास्टिक से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि आईसी चिप है वो किस धातु की बनी होती है? अभी ऐसा प्रश्न कुछ देर पहले आया भी था, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। अपन साइंस में पढ़ते हैं अर्धचालक, सुचालक, अतिचालक, तो ये अर्धचालक यानी कि जो पूर्ण रूप से चालक नहीं होते हैं विद्युत के, तो उनसे क्या क्या ऐसी चिप का निर्माण किया जाता है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 पे। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? यानी कि निवेश का मतलब अभी कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा था निर्गम युक्त, तो वो तो आउटपुट डिवाइस, और अब है निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस। सबसे अधिक इनपुट डिवाइस कौन सी है जो यूज होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रैक बॉल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्कैनर, सी दे रखा है माउस, या डी इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक इनपुट डिवाइस कौन सी यूज की जाती है आजकल? ऑप्शन बी स्कैनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पद MB का प्रयोग किया जाता है, यानी कि MB की फुल फॉर्म क्या होती है? अपन यूज़ नहीं करते कंप्यूटर में, मोबाइल्स में भी अपन कहते हैं कि ये गाना या ये फाइल इतने MB की है, इतने GB की है, इतने KB की है, तो MB की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा है मैग्नेटिक बिट्स, बी दे रखा है मेगाबाइट्स, सी दे रखा है मेगा बिट्स, डी दे रखा है उक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, कहाँ पर होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो कंप्यूटर में कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पर, बी ऑप्शन यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, सी दे रखा केवल माउस स्मृति में, उक्त में से कोई नहीं। 36% का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी?
याद रचित अभिगम स्मृति में ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए देर का मार्कोनी, बी का मतलब एलन एम ट्यूरिंग, सी में देर का अलेक्जेंडर ग्राम बेल, डी में इनमें से कोई नहीं। आविष्कार किसने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 1 लाख, बी ऑप्शन दे रखा है 10 लाख, सी में दे रखा है 10,24,000, डी में दे रखा है 10,48,576। तो 1 मेगाबाइट में आपको बाइट पूछा है, न कि किलो बाइट पूछा है। बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, क्योंकि 1 मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में यानी कि एमबी में कितने केबी होते हैं? यानी कि 1024 केबी, 1024 केबी होते हैं। तो अच्छा, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी बराबर होता है आपके 8 बाइट। तो यानी कि अब इसमें आपको क्या आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए सबद लंबाई का प्रास होता है, यानी कि लंबाई के लिए सुपर कंप्यूटर में वो लंबाई के लिए क्या रेंज होती है? सबद की लंबाई के लिए, यानी कि जैसे कोई वर्ड है उसकी लेंथ के लिए क्या रेंज होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 64 बिट तक। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या एक सॉफ्टवेयर है जो क्या चीज़ों का नुकसान करते हैं कंप्यूटर में? ऑप्शन ए आंकड़ों का, उपकरणों का, ऑप्शन सी प्रोग्रामों का, या ऑप्शन डी हार्डवेयर को। किसका नुकसान करते हैं वायरस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में अपने जो प्रोग्राम डाले हैं उनको क्या है कि नष्ट कर देते हैं वायरस। तो सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी सीडी रोम, और ऑप्शन डी प्रिंटर। तो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है, जो अपने ब्रॉडबैंड वगैरह हैं वो उनसे जोड़ती है? तो ये कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको अपन फिजिकली अपन क्या है कि टच कर सकते हैं? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो डेटा को अपन टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम को? नहीं कर सकते। ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर को अपन है वो फिजिकली टच कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? ए ऑप्शन दे रखा है टेप, बी दे रखा है डिस्क, सी दे रखा है प्रिंटर, और ऑप्शन डी दे रखा है बस। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, किसका प्रकार है? प्रिंटर का प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है वो किस उद्योग से संबंधित है?
ऑप्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक, ऑप्शन बी देर का उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, सी देर का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी देर का मदरबोर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का रिलेशन है। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? पहले ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बताइए जल्दी। ऑप्शन ए देर का सीपीयू, ऑप्शन बी देर का मॉनिटर, सी देर का रैम, डी देर का रोम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सीपीयू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 47। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर प्रिंटर क्या आएगा? आउटपुट डिवाइस है, जिसपे अपने क्या आएगा डेटा, अपन फिजिकली प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस हो गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, सी सीपीयू, ऑप्शन डी देर का सी डी रोम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी या ROM, रोम। इसको क्या बोलते हैं? बिल्ट परमानेंट मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि ये इनबिल्ट होती है, जो अपने मदरबोर्ड पर लगी होती है, रोम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में उपयोग आने वाले आईसी चिप्स किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं 2-3 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकन, ऑप्शन बी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है कि हार्डवेयर नहीं है, तो आपको इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो यानी कि हार्डवेयर जिनको अपन फिजिकली टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिनको अपन फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यानी कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो देखो, प्रोसेसर चिप क्या होती है? जो हार्डवेयर पर लगी होती है, उसको अपन क्या फिजिकली टच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी अपन कर सकते हैं टच, माउस को भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये जावा क्या है? ये एक लैंग्वेज है, तो जावा यानी कि भाषा होगी, तो इसको टच नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या लैंग्वेज हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अपन नेक्स्ट अगली क्लास आगे और क्वेश्चन करेंगे, और 500 क्वेश्चन ये अपन ये आज तो मैंने बेसिक से शुरू किया है, तो अपन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। और तब तक आप अपने लिए पढ़ाई कीजिए, और चलो चलते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी वो दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। और अगर क्लास पसंद आई थी तो लाइक और शेयर तो आप करते हैं ही। थैंक यू।